तो ये वो रोलिंग मशीन है जिसकी वजह से मुझे बहुत दिक्कत आ रही थी। एक पीछे से और आ रही है, अभी इतना ही ट्रैफिक आता जाता रह रहा है ना। एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो आज है थर्सडे एंड मैं बिल्कुल तैयार हूँ। फिलहाल अभी अपने काम पे निकलने लगी हूँ और अभी ना मुझे काफ़ी स्वेटिंग हो रही है बिकॉज मैंने अभी भी चाय पी है। बाहर जाके देखती हूँ कैसा वेदर है और फिर काम कैसा रहेगा तो पता ही नहीं, पहले तो वेदर जाके बाहर चेक करती हूँ। वेल, काम पर आने के बाद मुझे ये ट्रेलर डिस्पैचर ने बोला कि हुक कर लो, इसमें सिर्फ दो ही स्किट्स थी और वो मेरे को डिलीवर्ड करनी थी। बट जब मैं इसका गेट बंद करने लगी तो इसका गेट बंद ही नहीं हो रहा था, बिकॉज़ इसका जो एक आगे वाला पार्ट है, जो फर्स्ट कुंडी काइंड ऑफ है, वो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। उसे चाहे मैंने कितना भी ट्राई कर लिया वो लग ही नहीं रहा था। बट लकीली वहाँ पर मैकेनिक था यार्ड के अंदर ही, सो मैंने उसको बोला कि इसका गेट को ठीक करे। सो उसने काफ़ी इसमें मेहनत करनी पड़ी। एंड प्रॉब्लम ये भी थी कि बिकॉज मुझे जल्दी से जाना था और इसी ट्रेलर के साथ ही जाना था, सो उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं था। तो इसने इस पार्ट को हटाने का डिसीजन लिया कि वो ये पूरा पार्ट ही हटा देगा, सो दैट कि एक साइड से लग जाए लॉक इसका। एंड इसमें इस पूरे उसमें कम से कम 15 मिनट्स गए, 15 to 20 मिनट्स उसको लग गए। इसमें उसने बहुत मेहनत करी। मैकेनिक ने इस मशीन की हेल्प से सारे जितने भी इसमें स्क्रू लग रहे थे उन सबको वहीं पर कट कर दिया। लाइक उसको खोलने वाले आई थिंक होंगे ही नहीं, ये जस्ट कट करने वाले होंगे। उसने सारी तरफ से इसको नीचे से और जो इसका पार्ट के ऊपर लग रहे थे जितने भी थे सारे स्क्रू को उसने इससे मशीन से कट कर दिया और वो ज़मीन पर गिर रहे थे। तो ये मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा कि सीधे ही तोड़ने के लाइक कट ही कर देना। बिकॉज ज़्यादातर इंडिया में जितने स्क्रू देखे हैं तो वो पेचकस होता है, स्क्रू ड्राइवर से खुल भी जाते हैं, लग भी जाते हैं। बट ये अच्छा था कि एक बार तोड़ दो बस, लगाओ और जब निकालना हो तो इसको इस तरह कट कर लो। ये डॉगी हमेशा इस वैन में रहता है, ये मैकेनिक का डॉगी और हमेशा उनके साथ एवरी डे होता है ये। सो ये ऊपर एक्चुअली बड़े उससे देख रहा था कि ये हो क्या रहा है, सो वो बहुत एक्साइटेड होकर देख रहा था। और ये ऐसे ही बैठा रहता है, या तो ड्राइवर सीट पे या पैसेंजर सीट पे बैठ जाता है। फाइनली इनने ये पार्ट ही निकाल के रख दिया, सो दैट कि मैं एक उसके जो लॉक लगाने का है हैंडल सा उसी से लॉक लगाऊंगी, दूसरे की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती। सो उन्होंने फ़िलहाल के लिए निकाल दिया था, बट उन्होंने बोला था कि जब आप बाद में आओगे काम ख़त्म करके तो वो इसको पूरा फिक्स करेंगे। सो फाइनली ट्रेलर का गेट फिक्स हो गया है, अब मैं निकलने लगी हूँ। वैसे भी बहुत टाइम हो गया,
अब निकलना पड़ेगा थोड़ा जल्दी जल्दी। सो मैं जिस कंपनी में आई हूँ डिलीवरी के लिए, वहाँ पर ऐसे वेंडिंग मशीन और कॉफ़ी की मशीन लगी है, अदरवाइज़ मैंने कहीं पर भी नहीं देखा कि इस तरह बाहर की साइड पर लगी हो मशीन, जिससे ड्राइवर्स भी ले सकते हैं, कोई भी आने जाने वाला पी सकता है और जो भी यहाँ पे कॉइन्स डाल के खाने का हो खरीद सकता है। ये बेस्ट लगा मुझे इस कंपनी में, और साथ में ही वॉशरूम है, ये सबसे बेस्ट है। उन्होंने एकदम सेपरेट करके दिया हुआ है कि मेन एंट्रेंस के बाद वॉशरूम भी जा सकते हो, कुछ ले भी सकते हो और कॉफ़ी भी पी सकते हो। सो ये वो रोलिंग मशीन है जिसकी वजह से मुझे बहुत दिक्कत आ रही थी, जो कि बहुत ज़्यादा इधर उधर हो रही थी ट्रेलर में, और उन्होंने कोई स्ट्रैप लगा के इसको प्रोटेक्ट भी नहीं करा, मतलब लाइक सिक्योर भी नहीं करा। सो ये है वो मशीन जिसे अभी ये लोग निकालने लगे हैं अपनी इस मशीन से। Is that a machine or something? Yeah. It's different there. It's not the machine, sir. मैंने ये कंपनी में आना था मुझे डिलीवरी के लिए, प्रॉब्लम ये हो गई कि मैं रॉन्ग साइड पे आ गई हूँ। अब पूरा मैं बैक जा रही हूँ बिकॉज इनकी एंट्रेंस उस साइड से है, जिस साइड से मैं आई हूँ वहाँ से नहीं है। सो एक पर्सन ने, इनके एम्प्लॉय ने आके मुझे बताया कि आपको पीछे जाना पड़ेगा पूरा। मैंने कहा ओके, स्लोली स्लोली पीछे लेके जाती हूँ, कोई कार नहीं आ रही होगी तो। बट मेरे पास एक बेनिफिट है कि पीछे ना मैं वैसे सीधा लेके जा सकती हूँ, बिकॉज वहां पर सीधे थोड़ा सी जगह है, स्पेस है। पीछे जा रही हूँ ऑल द वे बैक जा रही हूँ, सो दैट कि मैं इस जगह पर टर्न कर सकूँ। थोड़ा सा और जाना है मुझे, दैट्स इट। सो अब मैं टर्न कर सकती हूँ जहाँ मुझे एग्जैक्टली टर्न करना है अभी। एक तरह की दिक्कत ही है बिकॉज यहाँ पर सिर्फ ऐसे ही बना हुआ है, मतलब यहाँ पे बाहर से ही बैग लेकर जाना होगा। कार्स आ रही हैं, मतलब उनको जाना है कार्स को, और थोड़ा सा ट्रैफिक, अब मैं जा सकती हूँ अंदर की साइड पर, आई थिंक सो। यहाँ की बैकअप ना वहाँ पे करनी है, जो ब्लैक कलर का वो दिख रहा है ना वहाँ पर। अब ये कार चली जाए, एक ये कार और निकल जाए, एक पीछे से और आ रही है, अभी इतना ही ट्रैफिक आता जाता रह रहा है ना।
अब शायद मैं जा सकती हूँ। थोड़ा जल्दी हो गया, इसको थोड़ा सा बाद में टर्न करना था। मुझे कोई आइडिया नहीं था पहले कि यहाँ पर इनकी डोर होगी ही होगी, एक ही डोर है इनके पास। यही इनकी डिलीवरी की और यही पिकअप के लिए डोर है जितना मुझे लगता है। ये है डिलीवरी नंबर 2, इसके बाद 3, 4, वो दोनों लोकेशन बहुत नियर है यहाँ के। बैकअप हो गई है यहाँ पे, अब मैं अंदर जाती हूँ यहाँ पे। One eternity later. ये मैं मॉन्ट्रियल से अराउंड 70 किलोमीटर दूर एक कंपनी में पिकअप करने गई थी। तो इस कंपनी का हमेशा ही ऐसा रहता है कि यहाँ पर नीचे मिट्टी पड़ी होती है और उसमें पानी, तो वहाँ पर ना बहुत मुश्किल हो जाती है ऐसे ट्रेलर को लेके जाने के लिए बैक, बिकॉज वहाँ पर उसके टायर वहीं पर स्पिन करने लग जाते हैं। एंड ये काफ़ी अजीब सी जगह है बिकॉज यहाँ पर काफ़ी ऊँचाई से ट्रेलर नीचे जाता है, बिकॉज वो जो इनकी डॉक है वो नीचे की साइड पर है और इनकी एक ही डॉक वर्किंग है, वो है वो जो ट्रेलर के साथ वाली। सो समटाइम्स बहुत अजीब सा हो जाता है इसको बिल्कुल पूरा नीचे की साइड लेके जाना और खड्डे बहुत ज़्यादा हैं। सो मैंने सोचा कि इस बैकअप की मैं पूरी वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ, बिकॉज थोड़ा सा इसमें दिक्कत आती है, बार बार इसको सेट करना पड़ जाता है और उसी
जो ट्रेलर है उसके बिल्कुल ही साथ में लगाना पड़ता है। एंड प्रॉब्लम ये है कि इस ट्रेलर को सीधा करके स्ट्रेट नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पर इतना स्पेस नहीं है, सामने फेंस लग रही है तो आप उसको स्ट्रेट नहीं कर सकते। सो जो जैसे लाना है ये पीछे से ही ट्रक को लेकर आना है, ट्रेलर को जैसे सही सा एकदम लग जाए नंबर दो पे। नंबर तीन इनकी डॉक वर्किंग ही नहीं है। आफ्टर लॉन्ग वर्किंग डे मैं अभी अपने अपार्टमेंट में हूँ और मैं रेस्ट कर रही हूँ, थोड़ी देर तक सो जाऊँगी। सो इस ब्लॉग की एंडिंग भी मैं यहीं करने लगी हूँ एंड आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट, एंड बाय बाय फॉर नाउ।